जनसरोकार मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जनसरोकार मंच पर हम वरिष्ठ कवि चंद्रेश्वर जी से उनकी कुछ कविताएं सुनेंगे। पहला कविता संग्रह अब भी 2010 में प्रकाशित हुआ। 2019 में रश्मि प्रकाशन लखनऊ से उसका दूसरा संस्करण भी आ गया है, तो मैं उनमें से ही कुछ कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। इस संग्रह की पहली कविता है यकीन के साथ। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह आपकी ही कलम है, कि यह आपका चश्मा आपका ही है, कि आपके ही हैं ये जूते? नहीं, नहीं कर सकते ना आप पूरे यकीन के साथ कि आपका ही घर है ये आपका ही गांव, कि अंचल ये आपका ही। कितना अजीब है यह समय, कितना अजीब है यह समय, कितना घाल मेल चीजों का। आप यह भी नहीं कर सकते यही है, हाँ यही है मेरा देश। सचमुच सचमुच आप यकीन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल। इसी तरह से दूसरी कविता है कितना यकीन। कितना पुख्ता यकीन है विचारक का कि एक न एक दिन अंत होना ही है आतताई का, कि जलेगी ही उसकी सोने की लंका धू धू कर। कितना कितना पुख्ता यकीन है कवि का कि एक न एक दिन सबकी जुबान पर होगी उसकी कविता। कितना पुख्ता यकीन है कलम का वह जब भी लिखेगी सच ही लिखेगी। कितना पुख्ता यकीन है कलम का ये वह जब भी लिखेगी सच ही लिखेगी। कितना कितना पुख्ता यकीन है एक माँ का कि उसकी उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगा उसका बेटा। कितना कितना पुख्ता यकीन है उस स्त्री का कि एक न एक दिन अवश्य ही फूटेगा पाप का घड़ा जो बढ़ते बढ़ते थोड़ा ही रह गया है छोटा पृथ्वी से। कितना कितना पुख्ता यकीन है प्रेमी का कि उसे छोड़कर भागेगी नहीं उसकी प्रेमिका। कितना पुख्ता यकीन है सब्जी काटने वाले चाकू का जो मौका पाते ही चीर देगा कलेजा पापी का। कहो कहो नागरिकों कितना पुख्ता यकीन है लोकतंत्र में अपने मत का। कहो कहो नागरिकों कितना पुख्ता यकीन है लोकतंत्र में अपने मत का। किस बार चुन ही लोगे अच्छा नेता कि बनेगी ही एक अच्छी सरकार। इसी तरह से एक कविता है किसने बुनी कमजोर चादर। किसने किसने बुनी इतनी कमजोर चादर कि पार नहीं लगा इस साल का जाड़ा भी। किसने किसने डाली इतनी कमजोर नींव कि जल्द ही धसकने लगा मकान। किसने किसने पैदा किया इतना भय। किसने किसने पैदा किया इतना भय कि मैं जुटा नहीं पाया साहस वाजिब विरोध का भी। किसने किसने हर ली मेरी आंखों की ज्योत कि गिरा में जाकर सीधे अंधकूप में। इसी तरह से कविता है
कोई नहीं है गोल कीपर है। इस कविता की रचना मैंने 1991 में की थी। बहुत पुरानी कविता है लेकिन मेरी प्रिय कविता है। कोई नहीं है गोल कीपर है, मैदान के एक छोर पर खड़ा है, मैदान के एक छोर पर खड़ा है एक ही खिलाड़ी फुटबॉल का, दूसरे छोर पर दिखता है वो ही, अरे वो तो दिखता है पूरे मैदान पर हर ओर हर कहीं, अकेले ही उछाल रहा है गेंद को आसमान में, लगातार मार रहा है गोल पर गोल, कोई नहीं है गोल कीपर भी। यह कितना अद्भुत मैच है फुटबॉल का, खेला जा रहा है जो सदी के अंत में बिना किसी प्रतिद्वंदी टीम के, मनाई जा रही खुशियां जीत की, फहराई जा रही पताका विजय की। इसी तरह से एक कविता है, वे ही बताएंगे, अब वे ही बताएंगे हमारी पसंद के बारे में, नहीं देंगे जरा सा भी अवसर ताकि हम सोच सकें अपनी पसंद के बारे में। वे घुल मिल जाएंगे हमारी आदतों में, छा जाएंगे हमारी दिनचर्या पर, अब यह भी वे ही बताएंगे कि हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी होगा नमक, या फिर किस वक्त कौन सा सुर अलापेंगे हम, नाचेंगे किस ताल पर। वे हर वक्त मडराते रहेंगे, वे हर वक्त मडराते रहेंगे हमारी एक एक जरूरतों पर, रखेंगे वे अपनी निगाह। इसी तरह से कविता है हत्यारे। किसी शोक सभा की पहली कतार में दिखते हैं हत्यारे, किसी शोक सभा की पहली कतार में दिखते हैं हत्यारे, किसी प्रार्थना में होते हैं शामिल सबसे ज्यादा, अब उनकी पीठ पर गोदाम नहीं होता बारूद का, हाथों में लपलपाती नहीं तलवारें, दिन ब दिन कठिन होती जा रही है उनकी पहचान, वे अब अगले दरवाजे से होते हैं दाखिल दोस्त की तरह हमारे आंगन में, हमें पता तक नहीं कि वे बैठे हैं छिपकर, हमें पता तक नहीं कि वे बैठे हैं छिपकर स्कूली बच्चों की पीठ पर लगे बस्तों में, किसानों के खेतों की हराई में पड़े खाद में, बीज में, रोगियों की दवाओं में, मीठे पानी के स्रोत वाले कुएं में, अब वे फुदकने लगे हैं हर वक्त हमारी जिंदगी में गौरैये की शक्ल में, भरे बाजार में दिखते हैं हत्यारे नायक की तरह, भरे बाजार में दिखते हैं हत्यारे नायक की तरह, हत्यारों को प्राप्त है आशीर्वाद शरीफों का। इसी तरह से एक कविता है, चीजें बदल रही हैं, चीजें बदल रही हैं इस कदर तेजी के साथ कि दिमाग में स्थिर नहीं हो पाती कोई एक भी शक्ल, कितना तेजी से बदल रहा है बाजार कि सुबह का देखा पहचान में नहीं आता शाम तलक, स्वाद बदल रहा है मेरे कुएं के पानी का, लोग बदल रहे हैं जगहें, लोग बदल रहे हैं जगहें, राजनेता दल मनचले युवक लगातार बदल रहे हैं अपनी प्रेमिकाएं, कई युवतियां प्रेमी ऐसे में भी किसी पुराने संगीत की धुन की तरह, ऐसे में भी किसी पुराने संगीत की धुन की तरह कोई प्रवेश कर गया है मेरे विचारों में, कि इस कदर तेजी से बदलते संसार में फिर भी मैं झटक नहीं पाता अपने पुराने विचार। इसी तरह से एक छोटी सी कविता है, आसान नहीं,
अन्याय के रास्ते पर चलना आसान है, अन्याय के रास्ते पर चलना आसान है। आसान है बेईमान, धूर और मक्कार बनना, बोलना झूठ, बात बात पर गिरवी रख देना ईमान, दबा देना आत्मा की आवाज, रिश्ते तोड़ देना आसान है, रिश्ते तोड़ देना आसान है। आसान है युद्ध, रक्तपात, हिंसा, घृणा की खड़ी करना दीवार। आसान है युद्ध, रक्तपात, हिंसा, घृणा की खड़ी करना दीवार, मगर जिंदगी आसान रास्तों पर चलने का नाम नहीं। मगर जिंदगी आसान रास्तों पर चलने का नाम नहीं। इसी तरह से कविता है आतताई। आतताई का मकान है पंचतारा होटल के समान, आतताई का मकान है पंचतारा होटल के समान। वह रोज लगाता है भोग 56 व्यंजनों का, उसके लिए है उपलब्ध सर्वोत्तम मॉडल नई कार का। वह पहनता है दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा, महंगे जूते, उसके अंगुलियों में जड़े हैं एक से बढ़कर एक कीमती रत्न। उसके घर में चल रहा अखंड कीर्तन, पंडित पुरोहितों का है जमावड़ा। उसके यहाँ आतताई की पूरी हो रही है हर इच्छाएं इस दुनिया में, आतताई की पूरी हो रही हैं हर इच्छाएं इस दुनिया में। एक पल के लिए नहीं उठता द्वंद्व उसके भीतर, अच्छे बुरे के बीच अंतर का। वह हर पल रहता है सुरक्षा के घेरे में, मौत का भय बनाए रखता है उसे असहज, मौत का भय बनाए रखता है उसे असहज, जो भारी पड़ता है उसके सारे सुखों पर। इसी तरह से एक छोटी सी कविता है, एक अदृश्य प्रेमी पीछा करता है, एक अदृश्य प्रेमी पीछा करता है स्त्री का। वह जो है कमल के पत्ते से भी ज्यादा चिकना और कोमल, सख्त और खुरदुरा उतना ही जितना हिमालय। उसकी उठती गिरती भुजाएं जैसे सागर में ज्वार भाटा। एक ऐसा ही पुरुष पीछा करता है स्त्री का, जिसका झुका है माथा स्त्री के कदमों में। वह स्त्री उत्तर आधुनिक समय में भी चाहती है एक ऐसा प्रेमी जो चूम चूम ले उसका अंग अंग, जो उठा दे स्त्री को अपनी हथेली पर गुलाब की तरह, टांक ले बटन की तरह अपने कोट में एन दिल के पास। यह स्त्री समय के सागर तट पर करती है प्रतीक्षा जाने कब से, यह स्त्री समय के सागर तट पर करती है प्रतीक्षा जाने कब से। एक अदृश्य प्रेमी पीछा करता है स्त्री का, एक अदृश्य प्रेमी पीछा करता है स्त्री का उसके सपने में। इसी तरह से एक और छोटी सी कविता है, यह कोई जुर्म तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि चिड़िया बहुत कुछ चाहती थी, ऐसा तो नहीं कि चिड़िया बहुत कुछ चाहती थी। एक बसेरा जिसमें ले सके वह गहरी नींद, एक जलाशय जिसमें चोंच डूबे शीतल हो सके। ऐसा तो नहीं कि चिड़िया बहुत कुछ चाहती थी, एक बसेरा जिसमें ले सके वह गहरी नींद, एक जलाशय जिसमें चोंच डूबे शीतल हो सके। अपने पंखों के बल पर वह लांग जाना चाहती थी एक छोटा सा समंदर, उसके भीतर ही भीतर अंखवाया था एक सपना, आंखों में झिलमिलाया था एक नर्म गुलाबी सवेरा, अंधेरी तपती सुरंग से गुजरने के बाद। यह कोई जुर्म तो नहीं था। इसी तरह से जो मेरी बड़ी पुरानी कविता है 1991 की घर। कितना कमजोर है यह घर, कितना कमजोर है यह घर, जोर जोर से खांसते हैं पिता
हिल उठती है नींव, एक हल्का झोंका आता है पछुआ का, कांप जाती हैं दीवारें। कितना कमजोर है यह घर, जोर जोर से खांसते हैं पिता, हिल उठती है नींव, एक हल्का झोंका आता है पछुआ हवा का, कांप जाती हैं दीवारें। बिना भूकंप के ही डोलता है यह घर, बिना भूकंप के ही डोलता है यह घर। भरा नहीं घर में कभी धान का कोठार, खाली ही रहा माँ का बक्सा, फटी ही रही पिता की जेब, सो नहीं पाया यहाँ कोई सुख की नींद। माँ रोज लीपती है उसारा गाय के गोबर से, माँ रोज लीपती है उसारा गाय के गोबर से, पिता मंत्र जाप करते हैं, फिर भी दुख आ ही जाता है घर में, फिर भी दुख आ ही जाता है घर में, आहास बांध कर। एक कविता है अब भी, जिस कविता के शीर्षक से संग्रह का भी नाम रखा गया है, अब भी। अब भी किसी का घर जलता तो कुछ लोग दौड़ ही पड़ते पानी भरी बाल्टियां लेकर, गांव में किसी की बेटी की विदाई में भर आती कईयों की आंखें, युवकों में जज्बा था शहादत का, कुछ कर गुजरने का हौसला अब भी। दोस्तियां गांठने को बेताब थे लोग, प्रेम के लिए जान देने को तैयार दीवाने, कोयल कूकती थी अमराइयों में, वृक्ष झुक जाते थे फलों से, बचा था ऋतुओं का स्वभाव, बची थी रुलाई और हंसी, लज्जा और संकोच समाज में, बची थी रुलाई और हंसी, लज्जा और संकोच समाज में। हाँ हाँ मेरे दोस्त, अब भी बचा था ऐसे समय में भी स्त्री का स्त्रीत्व, पुरुष का पुरुषत्व। कविता उम्मीद है। उम्मीद कैसा शब्द है जो बार बार आता है कवियों की कविताओं में। उम्मीद एक ऐसा शब्द है जो बार बार आता है कवियों की कविताओं में। मैं बचना चाहता हूँ ऐसे किसी कोरे शब्द से, मैं बचना चाहता हूँ दोहराव तिहराव से, फिर भी यह शब्द आता है मेरी कविता में सचमुच उम्मीद की तरह। अब भला देखिए तो सही, इस कविता के शुरू में ही दो बार आ गया उम्मीद। जो भी हो आदमी की गुजर जाती है जिंदगी, आदमी की जिंदगी ही क्या, गुजर गई पूरी पिछली सदी ही उम्मीद के सहारे। मानव सभ्यता के उत्थान पतन की रोमांचक गाथाओं में दिखते हैं कई कई मोड़, मानव सभ्यता के उत्थान पतन की रोमांचक गाथाओं में दिखते हैं कई कई मोड़, हर मोड़ पर मिलता है यही एक शब्द उम्मीद, निर्माण के पहले ध्वंस के बाद भी। धन्यवाद।